हेलो, वेलकम बैक टू फिल्मी टॉक। और राधे का चौथा डायलॉग प्रोमो आया है। अगर आप थंबनेल देखेंगे तो उस पर लिखा है राधे डायलॉग प्रोमो 4 और टाइटल देखेंगे राधे डायलॉग प्रोमो 1। तो इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है तो मुझे प्लीज़ बताएं। सलमान भाई के जो फ़ैन है वो मुझे बताएं। खैर, गलती है जो इंसान से ही होती है, इतना बड़ा मेकर्स है, इतने बड़े स्टार की फिल्म है तो हो गई होगी गलती, उस पर अपन बात नहीं करते। अपन डायलॉग प्रोमो की बात करते हैं, जो चौथा डायलॉग प्रोमो जो आया है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ ट्रेलर्स में क्यों नहीं डालेंगे। देखो, एक मूवी होती है, उसको हिट कराने के लिए पहले आप टीजर करते हैं रिलीज। टीजर का मतलब होता है टीज करना, पब्लिक को टीज करना। पब्लिक टीज हो जाती है और उससे फिर एक्साइटमेंट होता है कि अब मूवी देखना है और मूवी कैसी होगी, ये सीन आगे का जो टीजर में दिखाया ये और कैसे होगा, कैसे क्रिएट किया होगा। फिर आता है ट्रेलर, ट्रेलर में और चीज़ें अच्छी दिखती हैं। अगर ट्रेलर बेकार हो जाता है तो पब्लिक का एक्साइटमेंट वहीं धम्म से नीचे आ जाता है, ठीक है। और अब जो वही हुआ कुछ राधे के साथ, ट्रेलर इतना बकवास था, मतलब कुछ नहीं था। सलमान भाई की ऐसी एंट्री होती है, मतलब सबसे पहली बार मुझे सबसे बोरिंग एंट्री लगी है ट्रेलर में सलमान भाई की। और उसके बाद जो डायलॉग प्रोमो आए, काफ़ी पहला डायलॉग प्रोमो जिसके बारे में हमने बात की थी, वो बहुत बेटर था ट्रेलर से। अगर वो डाले, मैं तो ये कहता हूँ जो चारों डायलॉग प्रोमो आए हैं ना, इनको मिला के एक ट्रेलर बनाते तो बहुत शानदार ट्रेलर बनता। और जो चौथा डायलॉग प्रोमो आया वो तो एकदम ही बवाल है मेरे ख्याल से, मुझे लगा है, जिसमें राधे भी हैं, सलमान भाई का भी लुक दिखाया गया और साथ ही साथ जो है वो रणदीप हुड्डा का भी लुक दिखाया गया। रणदीप हुड्डा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है इस मूवी में, जहाँ तक जितने भी लुक्स और सॉन्ग्स वगैरह में उन्हें देखा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं वो। और इसमें जो वो डायलॉग बोलते हैं कि लाइफ बड़ी बोरिंग चीज़ है, कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मतलब स्वैग एक अलग ही है उस बंदे का, और टैलेंटेड तो है ही वो, उसकी कोई बात नहीं करना है। फिर राधे की एंट्री होती है कि शहर में जो कुछ हो रहा है वो जो है रणदीप हुड्डे ही कर रहे हैं और उसके लिए राधे भाई उन्हें ढूंढ रहा है। और जब राधे की एंट्री होती है, वो साइकिल पे जो राउंड मार के सलमान भाई आते हैं, मतलब एक अलग ही स्वैग। और जो छोटा सा फाइटिंग सीन जो दिखाता है वो एक जो विलन बोलता है, इतना स्टाइल, मतलब अलग ही, मतलब बहुत सही लगा मुझे ये। अभी तक का चौथा डायलॉग प्रोमो बहुत सही लगा और बहुत बेहतरीन लगा चौथा डायलॉग प्रोमो जो रहा। अब मुझे नहीं लगता कोई और डायलॉग प्रोमो जो है वो आएगा, क्योंकि चार हो गए, सारे कैरेक्टर्स के रिवील कर दिए गए। पहला सलमान भाई का था, दूसरा दिशा पटानी का था, तीसरा जैकी श्रॉफ का, और चौथा जो रणदीप हुड्डा का हमने बात की थी वो आना था, वो आ गया रणदीप हुड्डा का। बहुत बेहतरीन लगा मुझे डायलॉग प्रोमो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जो है वो सीधा मूवी का इंतजार रहेगा, 13 मई को, 4 या 5 दिन और बचे हैं और मूवी की हाइप टोटली बना दी है सलमान खान ने। सोशल मीडिया हो या और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों, सब पे प्रमोशन धड़ल्ले से चल रहा है, राधे छाई हुई है चारों तरफ। देखते हैं मूवी कैसी होती है, होपफुली मूवी इन सब से अच्छी हो और मज़ा आए मूवी देखने में। और जैसा सलमान भाई का स्वैग है, मतलब जैसा हम इंतज़ार करते आ रहे हैं, इतने टाइम से सलमान खान ने कोई ढंग की मूवी दी नहीं है जो देखने लायक, मतलब एक मास्टरपीस बोले। अंधभक्तों का कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने तो बोलना ही है कि उनकी हर मूवी जो है मास्टरपीस होती है, लेकिन एक रियलिटी जो है वो कि जिस तरह का सलमान भाई जाने जाते हैं उस तरह की मूवी वो दे नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं ये राधे कैसी होगी मूवी, जैसी भी होगी आपको जरूर रिव्यू करके बताएंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे।